हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर हमारे चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो उस पर आप @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 10 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट मैंने आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे जैसे कि हम रोज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और टेस्ट डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस के लिंक वहां पर गिवन है, वहां से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ईजी लैंग्वेज में। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कल का टेस्ट देख लेते हैं। तो टेस्ट क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में किसने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी है। तो दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना जो है ये हाल ही में शुरू की गई है अमित शाह के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। अमित शाह कौन है? तो ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक परियोजना शुरू की है, दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना। तो इसका ए ऑप्शन सही था और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व हिंदी दिवस है ना ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया 10 जनवरी को। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये विश्व हिंदी दिवस है ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किया गया 10 जनवरी को। और उद्देश्य भी बता देती हूँ कि ये विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी जो लैंग्वेज है उसके बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस को ठीक है। और ये जो दिन है ये 10 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो आपको बता दूं कि 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था, इसीलिए ये दिन 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो पहला विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था 1975 में, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये नागपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो विश्व हिंदी दिवस है ना ये पहली बार इसको मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 2006 में की गई थी, पहली बार ये दिन 2006 में सेलिब्रेट किया गया था, ये याद रखना है आपको यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, एक होता है सिर्फ हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि सिर्फ भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो विश्व हिंदी दिवस है ये इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो हिंदी दिवस अगर सिर्फ पूछा जाए तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी ठीक है। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिखा है तो आप 14 सितंबर आंसर कर देंगे, या सिर्फ हिंदी दिवस अगर लिखा है तब भी 14 सितंबर आंसर करेंगे, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान ने हिंदी लैंग्वेज को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी ठीक है। और अगर लिखा है विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी आंसर होगा। और रीजन क्या है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको पता लग गया इसका आंसर क्या है, और हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दोनों बीच में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए, इससे पहले जनवरी के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए, वो भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जनवरी को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। और कल मैंने आपको पढ़ाया था 9 जनवरी, और 9 जनवरी को हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया, NRI Day सेलिब्रेट किए गए, ये भी आपको याद रखना है। और अभी मैंने बताया 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए जनवरी में 2020 ईयर में, ये याद रखना है आपको इसीलिए। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा बोड़ी योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, आपका बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में ये योजना शुरू की है, योजना का नाम है अम्मा बोड़ी योजना।
इसी योजना के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। देखिए ये जो अम्मा बोड़ी योजना है ना, इस योजना के तहत फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कवर किया जाएगा। फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, और उन स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा जो जिनकी जो फैमिली है वो BPL के बिलो रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, उन्हें कवर किया जाएगा। और इस योजना के तहत उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे उन्हें, याद रखना है। फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा इस योजना में, और ये जो स्टूडेंट्स होंगे जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उन्हें ही सिर्फ कवर किया जाएगा। ठीक है, और हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है, योजना का नाम भी याद रखना है, अम्मा बोड़ी योजना। और इस क्वेश्चन में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में नोट करना होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती, और चीफ मिनिस्टर है YS जगमोहन रेड्डी, और गवर्नर भी याद रखना, तो गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद। और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 हैं। फोक डांस कुचिपुड़ी, नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आंध्र प्रदेश के बारे में। और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का हमारा, कि हाल ही में मिंती मिश्रा का निधन हो गया। आपको बताने की निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी वो, तो मिंती मिश्रा जी ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी ये, और ये हमारे भारत की शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनका निधन हो गया हाल ही में। इनकी एज याद रखनी है तो 91 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। क्या नाम है, मिंती मिश्रा। इनके बारे में एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि इन्हें 2012 में शास्त्रीय नृत्य में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 2012 में शास्त्रीय नृत्य में इनके योगदान के लिए। मिंती मिश्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो मिंती मिश्रा है ना ये उड़ीसा की थी। कहाँ की थी, ये उड़ीसा की थी, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको उड़ीसा के बारे में नोट करना होगा। यहाँ पर उड़ीसा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा सीटें 147 हैं। फोक डांस याद रखना, तो फोक डांस है घूमरा और छऊ, और नेशनल पार्क है भीतर कनिका नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में इसलिए नोट करना है क्योंकि जो मिंती मिश्रा है ये उड़ीसा की है, उड़ीसा राज्य से है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। आपको बताना है जो 7वीं राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी, इसे किस टीम ने जीता है। तो इस चैंपियनशिप को जीता है लद्दाख टीम ने, सी ऑप्शन आपका सही है। इसका 7वां संस्करण था इस चैंपियनशिप का, जिसे जीता है लद्दाख टीम ने। और लद्दाख की जो महिला टीम है उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुमेन टीम ने इस चैंपियनशिप को जीता है। और फाइनल में किसे हराया है, लद्दाख टीम ने फाइनल्स में दिल्ली टीम को हराया है। ठीक है, ये भी नोट करना है आपको। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसमें 4 टीम्स ने हिस्सा लिया था। दिल्ली टीम, चंडीगढ़ की टीम थी एक, एक लद्दाख की टीम थी, और एक महाराष्ट्र की टीम थी। ठीक है, जिसमें से लद्दाख टीम ने इस चैंपियनशिप को जीता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैंपियनशिप है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये चैंपियनशिप IHAI के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। किसके द्वारा, IHAI के द्वारा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IHAI के बारे में ये याद रखना है आपको, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1989 में हुई है। और इनके प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना, तो प्रेसिडेंट है KL कुमार। कौन है प्रेसिडेंट, KL कुमार। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि ये जो चैंपियनशिप है ये लद्दाख टीम ने जीती है, तो लद्दाख के बारे में एक क्वेश्चन आपको और मालूम होना चाहिए, जो कि हमने 2019 में पढ़ा था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, और ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। लद्दाख के बारे में सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है।
और आज का हमारा अगला करंट अफेयर कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन से देश का जो पासपोर्ट है वो पहले स्थान पर है। तो हाल ही में ये इंडेक्सिंग जारी हुई हेनले पासपोर्ट इंडेक्सिंग 2020, और इस पासपोर्ट रैंकिंग में जो देश पहले स्थान पर, उस देश का नाम है जापान। ए ऑप्शन आपका सही है, जापानी पासपोर्ट को फर्स्ट रैंक मिला है। सेकेंड रैंक पे है सिंगापुर का पासपोर्ट, और थर्ड रैंक पे है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। जर्मनी और दक्षिण कोरिया जो है ये थर्ड रैंक पे है दोनों ही, ठीक है। और हमारे भारत की रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो हमारे भारत की रैंकिंग है 84th। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पासपोर्ट रैंकिंग है ये किस बेसिस पे जारी की गई है। तो किसी भी देश के जो पासपोर्ट हो कितनी आसानी से दूसरे देश के जो लोग हैं उन्हें वीजा प्रोवाइड कर देते, कितनी आसानी से वो लोग उस देश में आके रह सकते हैं, उस बेसिस पे से रैंकिंग को जारी किया गया था, ठीक है। जिसमें भारत को 84th रैंक मिला है, भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट रैंक पे है जापान, वो रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्री रैंकिंग याद रखना है, फर्स्ट पे है जापान, सेकेंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है जर्मनी। और देखिए जो जापान देश है ये 199 ऐसे देश हैं जिन्हें फ्री वीजा अराइवल देता है, और सिंगापुर जो है ये 190 देशों को फ्री वीजा अराइवल की सुविधा देता है, और जर्मनी और जो दक्षिण कोरिया जो कि थर्ड रैंक पे है ये 189 कंट्रीज को फ्री वीजा अराइवल देता है, और जो भारत है जो कि 84th रैंक में, ये 58 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें फ्री वीजा अराइवल की सुविधा देता है, यानी कि बिना वीजा के वो लोग भारत में आके रह सकते हैं, इसे बोलते हैं फ्री वीजा अराइवल। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने बताया कि ये जो इंडेक्सिंग है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्सिंग है, तो आपको ये भी पता चाहिए कि ये इंडेक्सिंग किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये इंडेक्सिंग हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी है, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। देखिए हेनले एंड पार्टनर्स के बारे में आपको पता चाहिए कि इसकी स्थापना 1997 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है यूके के अंदर, ठीक है। उसका सीईओ का नाम भी याद रखना है, तो हेनले एंड पार्टनर्स जो कंपनी है उनके सीईओ है ज्यूगर स्टीफन। कौन है सीईओ? ज्यूगर स्टीफन, इंपॉर्टेंट है। उसके चेयरमैन का नाम भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चेयरमैन है क्रिस्टियन कैलिन। कौन है? क्रिस्टियन कैलिन यहाँ के चेयरमैन है इस कंपनी के। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी के बारे में। और यहाँ पर आपको जापान के बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि जापान फर्स्ट रैंक पे है। यहाँ पर है जापान, इसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है जापान देश के बारे में। और हमारा आज का अगला और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आपके लिए कि साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 जो है इसी हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। डी ऑप्शन आपका सही है। और आपको बता दूं कि ये जो एक्सपो है, ये जो एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया ना, ये हमारे पर्यटन मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया 2020 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। ये भी याद रखना है। उद्देश्य भी बता देती हूँ कि ये साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक्सपो का नाम है इसमें ट्रेड भी आया है और ट्रेवल भी आया है, तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सपो है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ट्रेड है यानी कि व्यापार है उसमें दूसरे देशों के साथ भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके, और ट्रेवल यानी कि पर्यटन को भी प्रोत्साहित इंक्रीज किया जा सके। इसीलिए ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया 2020 में, ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया कि ये जो एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ना, तो यहाँ पर आपको हमारे पर्यटन मंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं यानी कि पर्यटन मंत्री हैं, उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर दिल्ली का नाम आया, तो दिल्ली के बारे में मैं आपको हर बार बताती हूँ जब भी दिल्ली का नाम आता है, कि दिल्ली के बारे में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि दिल्ली के सीएम कौन है। तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में, नोट करनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडको के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने। तो हुंडको एक कंपनी है जिसके एमडी और जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एस नागराज। डी ऑप्शन आपका सही है, एस नागराज का नाम याद रखना है। हुंडको के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि जो एस नागराज है इनकी नियुक्ति किन्होंने की है। तो हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एस नागराज की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आप मैं बता देती हूँ कि हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है, उनका नाम इम्पोर्टेंट है। जितने भी मिनिस्टर्स के नाम मैं बता रही हूँ उनके नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, और इन्होंने ही एस नागार्जुन की नियुक्ति की है हुंडको कंपनी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में। हुंडको कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। हुंडको की फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और हुंडको कंपनी की स्थापना 1970 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हुंडको के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण है ना, ये हाल ही में गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही है, गुवाहाटी आपको पता ही है असम में है। ये आपको नोट करना है कि गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। इसका तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था, जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और ये जो गेम्स है ना, आपको बता दूं कि 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 13 दिनों तक पूरी ये गेम चलेगी। और इस साल 2019 में ये जो गेम्स है ये दो कैटेगरीज में खेली जाएंगी, एक तो अंडर 17 और दूसरा अंडर 21। अंडर 17 और अंडर 21 दो श्रेणी में इसे गेम्स को खेला जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज की जा रहे हैं ना, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? तो ये जो गेम्स है ये हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। किसके द्वारा? खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पर आपको हमारे खेल मंत्री का नाम पता होना चाहिए, तो हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रेज्जू। कौन है? किरण रेज्जू, इनका नाम याद रखना है आपको। और गुवाहाटी आपको जैसे मैंने बताया असम में है, तो यहाँ पर असम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर असम, इसकी कैपिटल है दिशपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम के अंदर लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 126 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए असम के बारे में। उसके बाद आपको फोक डांस और नेशनल पार्क भी पता होना चाहिए। तो फोक डांस है बिहू और नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये जो चार इंपॉर्टेंट चीजें ये तो पता ही होनी चाहिए आपको कंपल्सरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थापित सुचिंद्रम थानुमल्लयन मंदिर में रथ महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थापित है, सुचिंद्रम थानुमल्लयन मंदिर। तो ये आपको बता दूं कि तमिलनाडु में है। डी ऑप्शन आपका सही है, तमिलनाडु में ये मंदिर है। यहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है तमिलनाडु का, और यहीं पर हाल ही में रथ महोत्सव शुरू हुआ है। ये सिर्फ नोट करना है इसके बारे में आपको। और यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एडापड़ी के पालानीस्वामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। और तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234 हैं। फोक डांस है भरतनाट्यम और नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी तमिलनाडु के बारे में। और एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ तमिलनाडु के बारे में, कि तमिलनाडु के अंदर जो कावेरी नदी है ना, तमिलनाडु से होकर जो कावेरी नदी गुजरती है, उसी नदी पर, कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु का बहुत ही फेमस बांध है जिसका नाम है मिट्टूर बांध। कौन है? मिट्टूर बांध। मिट्टूर डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का लार्जेस्ट डैम है वो, सिर्फ तमिलनाडु का लार्जेस्ट डैम है वो, और कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है वो। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम जिसका नाम है मिलन, उसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इन चार ऑप्शन से बताना है। तो आपको बता दो कि जो अंतरराष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिलन, इसकी जो मेजबानी है ये विशाखापट्टनम कर रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के अंदर है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के बारे में से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आपने नोट कर लीजिए। और ये जो नौसेना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, इसका थीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। क्या थीम है? सिनर्जी अक्रॉस द सीज। और ये कार्यक्रम का नाम याद रखना है मिलन कार्यक्रम, भारतीय नौसेना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आज का जो आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 23वां जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है इसे हाल ही में लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। बी ऑप्शन आपका सही है। आपको बता दो कि ये जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है ना, इसे 12 से लेकर 16 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और इसका 23वां संस्करण है जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल है, ये भी नोट करना है आपको। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये जो उत्सव है राष्ट्रीय युवा उत्सव, ये हमारे युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री का नाम बता चुकी हूँ किरण रिजिजू, वो नोट कर लीजिए वहां से। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो
राष्ट्रीय युवा उत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका उद्घाटन 12 जनवरी को किया जाएगा। अब 12 जनवरी को ही क्यों इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी जो थे, स्वामी विवेकानंद जी, उनका जन्म दिवस होता है, तो इसीलिए ये उत्सव जो है इसका उद्घाटन 12 जनवरी को किया जाएगा। और यहाँ पर अभी मैंने बताया कि 12 जनवरी को किनका जन्मदिन होता है, स्वामी विवेकानंद जी का। तो आपको एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन वाले दिन ही, यानी कि 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जनवरी को, ये नोट करना है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय युवा उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाए, इसका थीम क्या है, तो इस साल यानी कि 2020 का इसका थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। क्या थीम है? फिट यूथ फिट इंडिया। और ये जो उत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राष्ट्रीय युवा उत्सव, ये पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसकी शुरुआत 1995 में ऑर्गेनाइज की गई थी, और अब ये 2020 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका 23वां संस्करण है, ये भी आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यहाँ पर हम यूपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ यूपी में है, यहाँ पर यूपी इसकी कैपिटल लखनऊ, बता दिए मैंने आपको पहले। और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही होगा योगी आदित्यनाथ हैं, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 403 हैं। और आपको मैंने बताया ही है कि यूपी भारत का ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं, ठीक है। और यूपी का जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क और फोर्डासा रासलीला। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि नोट करनी है। और ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, यानी कि हमारे 11 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेस्ट डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और टेस्ट क्वेश्चन देखिए, आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में AEPC के नए चेयरमैन कौन बने, इन चार ऑप्शन में से बताना है। साथ ही में आपको AEPC की फुल फॉर्म भी बतानी है, क्योंकि आपको बताई गई है सारी इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।